बुद्ध से कबीर तक संस्था के संरक्षक एवं गुजरात के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विनोद मल ने सिविल लाइन स्थित एक निजी होटल में मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि विगत 5 वर्षों से पूर्वांचल में आयोजित होने वाली बुद्ध से कबीर तक यात्रा इस वर्ष 22 नवंबर से प्रारंभ हो रही है जो 26 नवंबर को समाप्त होगी। भारत की साझी विरासत को संजोने और शांति सद्भावना के प्रसार के लिए 5 दिनों की यह यात्रा जनपद और निकटवर्ती जनपदों से निकाली जाएगी, जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर पदयात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और उद्बोधन के माध्यम से लोगों के बीच देश की एकता और संवैधानिक राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य जनता और युवाओं के बीच भारत की साझी संस्कृति और संवैधानिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को सही तरीके से पहुँचाना है। शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना हमारे देश की मूल परम्परा है। पूर्वांचल की वैश्विक पहचान के रूप में बुद्ध और कबीर इन्हीं शिक्षाओं के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान समय में हमें इनके विचारों और शिक्षा को अपनाने और उन पर अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इन 5 दिनों में अलग अलग जनपदों में स्कूल के बच्चे तथा लोकल नागरिकों द्वारा पदयात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे साल देश के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूप में इस यात्रा ने लोगों के बीच अलग अलग मुकाम हासिल किया है। देश की अखंडता और एकता को मजबूत बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर गुजरात के पूर्व आईएएस अनुराधा मल, सिराज अहमद, शैलेंद्र कबीर, दीपक पांडे, अजीत सिंह देवयानी, सुधीर टेकरीवाल, आरपीएन सिंह मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बुद्ध से कबीर तक संस्था के संरक्षक एवं गुजरात के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विनोद मल ने कहा, कार्यक्रम 22 तारीख से शुरू हो रहा है। 22 की सुबह से सॉन्ग जी सुनेंगे। ये भी इन हाउस इस सेंस में कि शब्द हमारे हैं, संगीत हमारा है, एडिटिंग शूटिंग सब कुछ हमारे इन्हीं लोगों ने किया हुआ। अभी लोग हैं और यहाँ पे और गाने वाले भी हमारे टीम। हाँ, गाना म्यूजिक सब कुछ। सो वी हैव अ वेरी टैलेंटेड ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत ही क्रिएटिव और आइडियोलॉजिकली कमिटेड, क्योंकि हम ये मानते हैं कि टैलेंट जैसे बड़े कलाकारों को कभी नहीं बुलाते हैं। हम पैसे खर्च करके क्यों, हमारे पास वैसे भी बहुत ही सीमित वो होते हैं, हम ज्यादातर कॉन्ट्रीब्यूशन से मित्रों से पैसे लेके कार्यक्रम करते हैं, तो हम बहुत बड़े कलाकारों को नहीं बुलाते हैं और बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च करते हैं। प्रेस वार्ता जो बुद्ध से कबीर तक यात्रा 2022 की है और 22 से 26 नवंबर तक निकाली जा रही है, उसके बारे में प्रेस वार्ता है। क्या उद्देश्य बुद्ध से कबीर यात्रा का? जैसा आप जानते हैं, उद्देश्य भारत की जो एक बहुत ही सुंदर साझी विरासत है, शांति और अहिंसा की परंपरा है, भाईचारे की परंपरा है, उस परंपरा को मजबूत करना है और जो अपने देश के संवैधानिक मूल्य हैं उन मूल्यों के हिसाब से भाईचारे की भावना को समाज में विकसित करना है। सर, कहाँ से यात्रा निकली, कब निकलेगी, कब खत्म होगी? कहाँ यह यात्रा 22 नवंबर से शुरू हो रही है और 26 नवंबर को ख़त्म होगी। 22 नवंबर को इस यात्रा का शुभारंभ गोरखपुर से किया जा रहा है और जो पहला कार्यक्रम है वो इस्लामिया कॉलेज में है, वहाँ से शुरू होगा। दूसरा कार्यक्रम उसी दिन बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, उस दिन गोरखपुर शहर में कार्यक्रम है। 23 तारीख को गोरखपुर जिले के दक्षिण क्षेत्र बड़हलगंज में 2 कॉलेजेस में, एक नेशनल इंटर कॉलेज और एक सेंट जोसेफ कॉलेज में कार्यक्रम है, बड़हलगंज में यात्रा है, और फिर कौड़ीराम क्षेत्र में एक लोगों के साथ में चौपाल संवाद की प्रक्रिया है। 24 तारीख को कार्यक्रम महाराजगंज शहर में है, जहाँ पे यात्रा निकाली जाएगी, एक विद्यालय में कार्यक्रम होगा और वहाँ पे जो गोरखनाथ मंदिर परिसर है और सोनाड़ी देवी स्थल है और राम ग्राम स्तूप है, इन 3 जगहों पे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम बुद्ध से कबीर तक का संदेश देने के लिए आयोजित किए जाएंगे। 25 तारीख को इस बार पहली दफ़ा हम देवरिया जिले में कार्यक्रम कर रहे हैं और देवरिया में सलेमपुर, कुखुंदू और देवरिया शहर, इन 3 जगहों में कार्यक्रम होंगे। तीनों जगहों पे यात्रा होगी
सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। देवरिया में जो गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज है GIC, वहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और तत्पश्चात यात्रा होगी। आखिरी कार्यक्रम 26 तारीख को है। 26 तारीख आप जानते हैं कि संविधान दिवस है और संविधान दिवस के दिन गोरखपुर शहर में यात्रा होगी। और शाम का जो हमारा कार्यक्रम है जो कि फातिमा कॉलेज में किया जाएगा, वो संविधान दिवस मनाने के लिए, क्योंकि बुद्ध से कभी तक संविधान के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है और उन मूल्यों को मजबूत बनाने के लिए कार्यक्रम होते हैं, तो आखिरी कार्यक्रम संविधान दिवस सेलिब्रेट करने के उद्देश्य से मनाया जाएगा। इस तरह से 26 को यात्रा हमारी पूरी होगी। सर, इस यात्रा में कितने लोग शामिल हैं? इस यात्रा में देखिए, अलग अलग जगहों पे वहाँ के स्थानीय, हम कोशिश करते हैं कि स्थानीय लोग हों और जहाँ भी स्कूल कॉलेज वगैरह में कार्यक्रम होते हैं वहाँ के बच्चे शामिल होते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग जो रहने वाले हैं वो शामिल होते हैं। तो हर जगह 200, 400, 500 जहाँ पे स्थानीय वो होता है उस हिसाब से हम करते हैं। हम एक जगह से हर जगह यात्री नहीं ले जाते हैं, कुल सिर्फ करीब 40-50 लोग होते हैं जो कि केंद्रीय कोर टीम है, वो 40-50 लोग जाते हैं। हमारे सांस्कृतिक ग्रुप्स हैं, वो सब जाते हैं। सांस्कृतिक ग्रुप में बुद्ध से कबीर तक बैंड है और एक प्रेरणा कला मंच नाट्य ग्रुप है, वो लोग जाते हैं और ये लोग कार्यक्रम करते हैं। लेकिन ये 40-50 के अलावा लोग, सारे लोग स्थानीय होते हैं जो यात्राओं में और कार्यक्रमों में शरीक होते हैं।